नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक प्रथम समाचार में। दैनिक प्रथम समाचार से मैं हूं अंशुल राजपूत। अपने फोन से 52 चाइनीज ऐप तुरंत हटाएं, कर्मचारियों को यूपी एसटीएफ का आदेश। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फ्लैश हो रही है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं। एसटीएफ ने सभी 52 चाइनीज ऐप्स को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करने को कहा है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीज ऐप हटाने को कहा है। एसटीएफ के भीतर एक इंटरनल लेटर जारी किया गया है। इसके मुताबिक सभी 52 चाइनीज ऐप को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करने को कहा है, क्योंकि इससे डाटा चोरी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने मोबाइल से 52 चाइनीज ऐप हटाने का आदेश दिया है। एसटीएफ के लोगों और उनके परिजनों को ऐप हटाने का आदेश जारी किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद एसटीएफ की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। इन ऐप से व्यक्तिगत और अन्य डाटा चोरी होने की आशंका भी जाहिर की गई है। गौरतलब है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 52 ऐसे ऐप्स की लिस्ट सरकार को दी है जो चीन से जुड़े हुए हैं। इन्हें ब्लॉक करने की मांग की गई है। ये लिस्ट अप्रैल में तैयार की गई थी। इस लिस्ट में टिकटॉक, जूम ऐप, यूसी ब्राउजर, क्लीन मास्टर, जेंडर और शेयर चैट जैसे पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इन ऐप्स को ब्लॉक करने या न यूज करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इन ऐप्स को भारत में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे की वजह प्राइवेसी बताई जा रही है। आए दिन चीनी ऐप्स पर भारतीय यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर पर भेजने का आरोप लगाया जा रहा है। इस लिस्ट में 5 वीडियो शेयरिंग ऐप्स है, और दिलचस्प ये है कि ज़्यादातर चीनी स्मार्टफोन कंपनियां इनमें से कोई ऐप अपने स्मार्टफोन में देती ही है। ये ऐप्स हैं टिकटॉक, वीगो वीडियो, वीगो लाइव, वेबो, वीचैट, हेलो और लाइक। इसके अलावा कई ई कॉमर्स ऐप भी शामिल हैं। तो आप भी जल्द से जल्द इन 52 ऐप्स को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करें। आप